ऑल राइट गाइस, तो कैसे आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, काफ़ी लंबे वक्त के बाद अभी हम फिर से आ चुके हैं मेसर्स गांव ऑटोमोबाइल्स, और यहां का काफ़ी सारा वीडियो आपने देखा भी होगा, क्योंकि यहां पे मेनली मैं जो वीडियो बनाता हूं वो बनाता हूं कि जो यूज ट्रैक्टर होते हैं, जो भाई सेकेंड हैंड ट्रैक्टर होते हैं, और काफ़ी चीप रेट में आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो आज हमारे साथ हैं यहाँ पे आकाश जी। आकाश जी, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। आप हमको यहाँ का एक बार प्रॉपर एड्रेस बताइए, क्योंकि हर एक वीडियो में मैं एक बार एड्रेस तो ज़रूर बताता हूँ कि यहाँ पे आना कैसे है। तो ये जो है आपका रांची में रातू जो है, रातू राजा का घर से लगभग 2 किलोमीटर पड़ेगा, मकमंदरों के साइड मांडर रोड में। मांडर रोड में अगर आप रातू राजा के घर से मांडर की तरफ आते हैं तो आपके राइट साइड में मिलेगा। हाँ, राइट साइड। दुकान का बोर्ड बाहर में लगा हुआ है। हाँ। और मैं आपको यहाँ का व्यू भी दिखाऊंगा। तो मेनली जो आज हम ट्रैक्टर कवर करने वाले हैं, जो ट्रैक्टर दिखाने वाले हैं, आप हमें बताइए कि स्टार्टिंग प्राइस रेंज आपका क्या होने वाला है, मतलब सबसे कम दाम का जो ट्रैक्टर आपके पास है वो कितने से स्टार्ट है? हम लोग का अभी सबसे कम दाम का है 3,10,000 का। 3,10,000 से स्टार्ट है। टोटल कितने ट्रैक्टर्स अभी आपके पास अवेलेबल हैं? अभी हम लोग पास 7 है। 7 है, ये 7 ट्रैक्टर्स हम आपको कवर करेंगे और सारा डिटेल जानेंगे कि कितना चला है, क्या प्राइस रेंज है और कंडीशन क्या है, सारा चीज़ जानेंगे। और इनका नंबर भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि अगर आपको कोई भी क्वेरी जानना हो, कोई भी इंक्वायरी करना हो गाड़ी के बारे में, डायरेक्टली आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं, पीछे में जो हमारे पास महिंद्रा है हम इसी से शुरू करते हैं। तो चलिए चलते हैं महिंद्रा की तरफ, आपको दिखाते हैं कि इसका क्या फीचर्स है, इस पर क्या मतलब कितना चला हुआ है, सारा चीज़ जानेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले देख रहे हैं हमारे सामने जो ट्रैक्टर है, महिंद्रा का B275DI 275DI, इसका आप डिटेल बताइए ना हमें। ये आपका 275TU जो है 17 मॉडल है। हाँ, ठीक है। और ये आपका ज़्यादा नहीं चला हुआ, 4,000 किलोमीटर चला है, जिस हिसाब से 4,000 किलोमीटर ये चला हुआ। हाँ, और अगर मैं आवर्स में बात करूँ, घंटे के हिसाब से बात करूँ तो कितना घंटा चला हुआ ये गाड़ी? हाँ वही, मतलब 4,000 घंटा, 4,000 घंटा चला हुआ। वही मैंने किलोमीटर आपने बताया, मैं कंफ्यूज कर गया। नहीं नहीं, इसमें इसका आप जो आस्किंग प्राइस आपने रखा है, आपका मतलब इसका जो डिमांड की मैं बात करूँ तो आपने इसका डिमांड क्या रखा है? इसका डिमांड हमने रखा है 3,30,000। 3,30,000 में आप इसे दे देंगे? हाँ। नाम ट्रांसफर वगैरह करवा के या फिर नाम ट्रांसफर अपने से करवाना होता है? नहीं, नाम ट्रांसफर का जो पैसा है वो अलग से लगेगा आपको। ठीक है, कितना जाता है नाम ट्रांसफर में, लगभग कितना अमाउंट लग जाता है? लगभग आपको 55,000 से 60,000 लग जाएगा। तो मतलब ये नाम ट्रांसफर अगर आप करवाते हैं तो? हाँ, आप सेल लेटर वगैरह पे साइन करवा के आप दे देते हैं। हाँ, NOC वगैरह मिलेगा आपको। अभी जो आप हमारे सामने में देख रहे हैं ये स्वराज का 735XT। हाँ, इसका मॉडल कौन सा है ये? ये आपका 20 मॉडल में है, 2020 का मॉडल है। हाँ, कितना चला हुआ ये गाड़ी? ये आपका 1900 घंटा चला है। 1900 घंटा चला हुआ है। कहाँ का गाड़ी है, मतलब कहाँ का ये रजिस्ट्रेशन नंबर ये कहाँ का है? ये आपका लोहरदगा का है। लोहरदगा नंबर प्लेट गाड़ी है ना? जी। इसका डिमांड आपने क्या रखा है? इसका डिमांड हम लोग आस्किंग प्राइस रखे हैं 4,60,000। 4,60,000 सारा चीज़ ओके करके, सारा चीज़ ओके करके, जो इंजन वगैरह को वर्क वगैरह होगा, सर्विसिंग वगैरह होगा, सारा चीज़ आप करके देते हैं? सर्विसिंग वगैरह भी, और इसमें हम 4,60,000 जो बोल रहे हैं। हाँ? टायर लग के मिलेगा नया। अच्छा, ये टायर की अगर मैं बात करूँ तो टायर जो आपको दिख रहा है ये कंडीशन जो है, टायर बिल्कुल प्रॉपर करके आप दीजिएगा, नया टायर इसमें लगा के दीजिएगा ना। हाँ, और आपको इसमें नाम ट्रांसफर भी हो जाएगा उसी प्राइस में। आपने जो अमाउंट बताया आप एक बार फिर से कंफर्म कीजिएगा, 4,60,000। 4,60,000 में नाम ट्रांसफर हो जाएगा इसका। हाँ, टायर चेंज हो जाएगा, गाड़ी की सर्विसिंग हो जाएगा। हाँ, मतलब गाड़ी फुल ओके करके आप गाड़ी पूरा पूरा ओके करके बिल्कुल, बाकी गाड़ी में जो भी खराबी हो या जो भी कंडीशन ऐसा लगता है कस्टमर को तो आके वो देख सकते हैं यहाँ पे। अपना मिस्त्री मैकेनिक जो भी आपको लेके आना है आप लेके आके देख सकते हैं गाड़ी। हाँ, और एक फीचर इसमें है कि आपको फाइनेंस भी हो जाएगा ये गाड़ी। अच्छा, ये गाड़ी फाइनेंस हो जाएगा? ये गाड़ी फाइनेंस हो जाएगा। हाँ, झारखंड में कहीं भी या फिर अभी प्रॉपर रांची में ही कर रहे हैं? रांची में ही कर रहे हैं। रांची में ही कर रहे हैं, मतलब कौन कौन सा बैंक से फाइनेंस हो जाता है आपके पास? सिर्फ अभी महिंद्रा फाइनेंस, महिंद्रा से चल रहा है, यानी कि महिंद्रा से अगर हो रहा है तो झारखंड में आप कहीं भी फाइनेंस करवा सकते हैं। उसके लिए डाउन पेमेंट कितना देना होगा? डाउन पेमेंट जस्ट हाफ लगता है। अच्छा, जो भी अमाउंट है उसका 50% डाउन पेमेंट करना होता है, मतलब 50% डाउन पेमेंट कीजिए, बाकी का जो अमाउंट है वो आप फाइनेंस करवा के अपने आसान किस्तों में भर सकते हैं। और फाइनली अभी जो हमारे सामने में है स्वराज का 742FE। हाँ, ये कौन सा मॉडल कौन सा है? ये आपका 20 मॉडल है। 20 का मॉडल है, कहाँ की गाड़ी है ये? ये आपका खुट्टी का पड़ेगा, खुट्टी नंबर प्लेट है। कितना चला हुआ ये गाड़ी? ये आपका 1,000 घंटा सिर्फ चला हुआ है, सिर्फ 1,000 घंटा चला हुआ। और आपने मॉडल रहा 2020 का? 2020 का, 2020 का मॉडल है, सिर्फ 1,000 घंटा चला हुआ है, यानी कि गाड़ी का अगर मैं मैक्सिमम बात करूँ तो 3 साल के आसपास गाड़ी का अभी। हाँ, हो रहा है।
इसका आपने आस्किंग प्राइस क्या रखा है, डिमांड आपका क्या है इसमें? आस्किंग प्राइस इसमें भी सेम, मतलब हम लोग टायर लगा के देंगे न्यू चारों, ठीक है, और आपको मतलब नाम ट्रांसफर वगैरह करके भी मिल जाएगा, फाइनेंस में भी ये गाड़ी अवेलेबल है। प्राइस इसका 4,85,000 है, यानी 4,85,000 में चारों टायर चेंज हो जाएगा और नाम ट्रांसफर हो जाएगा जी। और अगर आप लेना चाहते हैं तो 50% आप डाउन पेमेंट कीजिए, बाकी आप फाइनेंस करवा देंगे, फाइनेंस भी अवेलेबल है। तो काफ़ी अच्छी डील है, अगर आपको लगता है कि भाई आपके लिए सही है, बाकी गाड़ी में कोई खराबी वैसा कुछ नहीं है, नहीं पूरा नया वगैरह जो होता है आप रेडी करवा के देते हैं, सर्विसिंग जो होता है करवा के देते हैं, है ना। चलिए इसका हम ओवरव्यू देख लेते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी हम देख लेते हैं अभी। और 44 HP का ये गाड़ी है। हाँ, इंजन हॉर्स पावर की बात करो, जैसे लास्ट दो गाड़ी मैंने आपसे नहीं पूछा था, अगर हॉर्स पावर की बात करो तो ये कितना HP का गाड़ी है? 44 HP का। अब जो नेक्स्ट गाड़ी है ये है महिंद्रा का 275 DI। हाँ, इसके बारे में बताइए, इको है ना ये? हाँ, इसके बारे में डिटेल बताइएगा, ये मॉडल कौन सा है? हाँ, ये आपका सबसे पहले बात तो हॉर्स पावर में आता है 35 HP का, ठीक है, का गाड़ी है। हाँ, 2018 का इसका मॉडल है। हाँ, चला है लगभग वही आपका 2500 से 2500 घंटा चला है, लगभग 2500 घंटा चला हुआ है, लगभग 2500 घंटा चला है। हाँ, जैसा कि आपने बताया था कि 2020 के बाद का गाड़ी आप फाइनेंस करवा रहे हैं, तो ये तो फाइनेंस अभी हो नहीं पाएगा, ये नहीं हो पाएगा। और इसका डिमांड की अगर हम बात करें तो आपने डिमांड क्या रखा है इसके लिए? इसका डिमांड 3,10,000 है, ठीक है, सबसे कम रेट में। टायर वगैरह मतलब ये रहेगा या फिर चेंज करके? टायर आपको लगवाना पड़ेगा या फिर आप हमको भी दे सकते हैं, हम भी लगवा देंगे। यानी कि 3,10,000 में अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ आप गाड़ी का कंडीशन सही करके दीजिएगा, सर्विसिंग वगैरह करवा के दीजिएगा जी, बाकी अगर आपको टायर चेंज करवाना है तो उसके लिए अलग से चार्ज लगेंगे, नाम ट्रांसफर करवाना है तो उसके लिए अलग से चार्ज लगेंगे। यानी कि जो गाड़ियाँ फाइनेंस हो रही है उसका ही सिर्फ नाम ट्रांसफर वगैरह सारा चीज़ होके अवेलेबल होकर मिल जाए। चलिए इसका हम पैसे डिटेल जान लेते हैं, गाड़ी का कंडीशन तो बिल्कुल ओके है ना? हाँ, गाड़ी का कंडीशन बिल्कुल ओके है, बस वही है कि अभी धुलवाना है, गाड़ी साफ होगा तो वो भी नया टाइप का लगेगा। आप देख सकते हो पीछे में आपको 2-3 गाड़ियाँ और दिख रही होगी, सारी डिटेल हम जानेंगे। तो ये धूप में अभी लगा हुआ है जिसके कारण थोड़ा सा डस्टिंग वगैरह ज़्यादा है। और मॉडल आप एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा, ये मॉडल कब का आपने बताया? 2018 का। कहाँ की नंबर है गाड़ी? ये आपका जो है देवघर का है, यानी देवघर नंबर प्लेट गाड़ी है, 3,10,000 में आप छोड़ देंगे जी। अगर कस्टमर आपके पास आता है तो कुछ नेगोशिएट कर सकता है? नेगोशिएट सब गाड़ी में होगा, गाड़ी टोटल गाड़ी है, यहाँ अगर आप आके बात करते हैं तो। हाँ, जो भी आप अपने रेंज से होता है आप उसमें डिस्काउंट ले सकते हैं, जितना बन पाएगा डिस्काउंट हो जाएगा। हाँ, और अभी जो हमारे सामने आप देख रहे हैं स्वराज का 744 FE। हाँ, ये J03 डाल्टे इंजन नंबर गाड़ी है? नहीं, ये आपका पलामू का है। हाँ, डाल्टे इंजन हो गया। हाँ, ये कौन सा मॉडल कौन सा है ये गाड़ी? ये आपका 2018 का गाड़ी है। हाँ, कितना चला हुआ है ये भी? आपका लगभग 2000 घंटा चला है, अप्रोक्स 2000 घंटा चला हुआ है। हाँ, कितनी हॉर्स पावर की ये गाड़ी है? ये आपका 48 HP में आएगा, 48 HP का गाड़ी है। डिमांड क्या आपने रखा है इसमें? इसका प्राइस हमने ज़्यादा नहीं रखा है, इसका 3,70,000 रुपया रेट है, आस्किंग प्राइस है। हाँ, 370 आपका डिमांड है, बाकी अगर कस्टमर आते हैं तो नेगोशिएट कर सकते हैं। हाँ, नेगोशिएट। और ये जैसा कि आपने बताया 2018 का मॉडल, हाँ, तो ये भी फाइनेंस तो नहीं हो पाएगा? नहीं, ये फाइनेंस। तो यानी जिस कंडीशन में अभी गाड़ी है केवल आप धुलवा कर सर्विसिंग वगैरह करवा कर। हाँ, आप तीन कितना आपने प्राइस फिर से आप रिपीट कीजिएगा? 3,70,000। 3,70,000 में आप ये गाड़ी छोड़ देंगे जी। बाकी आप टायर वगैरह कंडीशन देख सकते हैं, हालांकि बिल्कुल ठीक ठाक है, लेकिन अगर आप चाहो तो इसे चेंज करवा सकते हो। और गाड़ी में जो बैटरी वगैरह होता है ये सारा चीज़ ओके मिलता है, गाड़ी का जो रूफ होता है, रूफ वगैरह आप ये सारा चीज़ आप लगा के देते हैं, सब नया लग जाएगा। चलिए अब इसका डिटेल हम देख लेते हैं, बाकी आप देख सकते हो जो भी थोड़ा बहुत डस्टिंग आपको दिख रहा है वो सिर्फ इसलिए दिख रहा है क्योंकि भाई गाड़ी बाहर में है, धूप में लगा हुआ है। और अब हम बात करते हैं, हमारे सामने में सोनालिका। हाँ, मॉडल कौन सा है पहले ये बताइए? ये आपका 2019 का मॉडल है, ठीक और है? सामने जो गाड़ी है दूसरी गाड़ी सोनालिका का, दो गाड़ी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो ये 2019 की है और दूसरी वाली 2020 की है। हाँ, दोनों गाड़ी मतलब सोनालिका का है। और मैं अगर HP बात करूँ, हॉर्स पावर की बात करूँ, तो कितने हॉर्स पावर की गाड़ियाँ हैं दोनों? आपका RX 42 है, 42 HP का आता है ये, ठीक है। और ये आपको फाइनेंस में तो अवेलेबल नहीं है, हालांकि 20 का है, बट आपको इसमें हमने टायर लगाया है जो कि एक में 20 का जो मॉडल तो है उसमें मॉडल है, आपको सामने में दिख रहा होगा इसमें। हाँ, टायर वगैरह सारा रेडी किया हुआ है, टायर बिल्कुल नया लगाया हुआ है, बट इसमें रिसोल टायर है। अच्छा, पीछे वाला जो टायर है वो रिसोल टायर है, आगे वाला तो बिल्कुल जो नॉर्मल आता है जो रियर वाला होता है वही है ना? हाँ, वही है। प्राइस क्या आपने रखा है इसका, यानी 2020 का जो आपको सामने में दिख रहा है, यानी DI-42 RX? हाँ, इसका आपने प्राइस क्या रखा है? ये जो 20 मॉडल है इसका प्राइस हमने अभी टायर के साथ जो रखा है 3,70,000, ठीक है। नाम ट्रांसफर का अलग से देना होगा? नाम ट्रांसफर का अलग से देना होगा। ये कितना चला हुआ है? ये आपका लगभग वही
3000 घंटा चला है। लगभग 3000 घंटा चला हुआ है। और अमाउंट आपका फिर से क्लियर कीजिएगा, कितना आपका आस्किंग प्राइस क्या है? 3,70,000। 3,70,000 में आप ये छोड़ दीजिएगा जी। बाकी आप देख सकते हैं जो टायर की कंडीशन है बिल्कुल सही है, गाड़ी भी बाहर में है फिर भी भाई बिल्कुल सही कंडीशन में लग रहा है, यूज बिल्कुल नॉर्मल सा यूज हुआ है। और जो थोड़ा वो डस्टिंग वगैरह आपको दिख रहा है ये सारा चीज़ आपको ओके करके मिलता है। अगर मैं दूसरी गाड़ी की बात करूँ, यानी कि हमारे पास जो दूसरी गाड़ियाँ है ये 2019 की आपने बताया ना? हाँ, ये आपका 2019 का पाकुड़ का है क्या गाड़ी? हाँ पाकुड़ दोनों गाड़ी। हाँ ये आपका जो है पाकुड़ का ही है, दोनों का, दोनों गाड़ी पाकुड़ का ही है। इसका डिमांड क्या आपने रखा है? इसका डिमांड हमने रखा है 3,60,000। 3,60,000 आस्किंग प्राइस है और टायर जो है वही रहेगा? नहीं सॉरी, हाँ 3,60,000 360 है ना कंफर्म? हाँ। और जो टायर का जो कंडीशन है वो जो है वही रहेगा? टायर यही रहेगा, टायर अगर कोई लगवाना चाहे तो लग जाएगा, रिसोल भी लगता है और ओरिजिनल भी लगता है। ठीक है, तो ओरिजिनल का जो हम लोग प्राइस रखते हैं उसका 40,000 से 45,000 में चारों टायर आ जाता है। अच्छा, और रिसोल में आता है आपका दो जो पीछे का है 20,000 में। अच्छा, और ये कितना चला हुआ है? 2019 की जो मॉडल आप सामने में देख रहे हैं कितना चला हुआ है? ये भी आपका 2000 लगभग 3000 किलोमीटर घंटा चला होगा। यानी कि मैं सोनालिका की दोनों गाड़ी की बात करूँ तो बिल्कुल ओके कंडीशन में है और दोनों लगभग 3000 के आसपास चला हुआ है। बाकी अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ पे आके देख लो, चला के देख लो, गाड़ी स्टार्ट करके देख लो, सारा चीज़ आप आके तसल्ली कर लो, इसके बाद आप परचेज कर सकते हैं जी। तो जी फाइनली ये जो आपने वीडियो देखा, मैंने जो टोटल आपको 4 गाड़ियाँ अंदर में और 3 गाड़ी बाहर में, यानी टोटल 7 गाड़ियाँ मैंने आपको आज दिखाई और ये कलेक्शन आज का था। आई होप कि जो भी मैंने आपको कलेक्शन बताया आपको काफ़ी पसंद आया होगा। और इसके बारे में यानी कि ये गाड़ियों के बारे में अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा या फिर वीडियो में आपको नंबर दिख रहा होगा, डायरेक्टली आप उनको कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। प्राइस क्या है सारा चीज़ आप जान सकते हैं। पेपर वर्क वगैरह अगर आप जब भी अगर से फाइनेंस करवाना चाहते हैं तो जो भी पेपर वर्क अगर होता है सारा डिटेल आपको वहाँ पे मिल जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, यहाँ तक वीडियो को देख चुके हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल वाला आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। बाकी आप आगामी कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं आप हमें कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा कि आगे वो वीडियो बना के लाऊँ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।